प्रदेश में रहने वाले एक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में इंदौर में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कंटेनर लेकर गुवाहाटी से पूना जा रहा था। मानपुर के रास्ते एक पेट्रोल पंप पर से डीजल भरवा कर रात में वह कंटेनर में ही सो गया। सुबह गाड़ी का पूरा डीजल गायब था, वहीं ड्राइवर गाड़ी में बेसुध पड़ा था। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कंटेनर का मालिक जीपीएस ट्रैक करते हुए मानपुर पहुंचा। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक घटना हाईवे के एसआर पेट्रोल पंप की है। यहां 24 अगस्त की रात चंद्रभान पुत्र राजनारायण यादव निवासी प्रतापगढ़ यूपी कंटेनर लेकर आया था। उसने गाड़ी फुल टैंक करवाई और पंप के पास ही गाड़ी खड़ी कर अंदर ही सो गया। रात में अज्ञात चोरों ने कंटेनर से करीब 460 लीटर डीजल चोरी कर लिया। सुबह जब चंद्रभान उठा तो उसे डीजल टैंक का लॉक टूटा दिखा। इससे उसने मामले में भाई मणिचंद्र को जानकारी दी। वहीं पंप पर बात करने के बाद थाने में शिकायत करने जाने को बोलकर चला गया। इसके कुछ देर बाद वह गाड़ी में ही बेसुध हालत में पड़ा मिला। 25 अगस्त की शाम को उसे एमवाई हॉस्पिटल भेजा गया जहां 31 की रात को उसकी मौत हो गई। चंद्रभान का मोबाइल उसके पास ही मिला था लेकिन अगले दिन तक उसका मोबाइल कोई उठा नहीं रहा था। गाड़ी मालिक राजकुमार को मामले में शंका हुई। कंटेनर में जीपीएस लगा होने के चलते उसने गाड़ी को ट्रैक किया जो पंप के पास ही लावारिस हालत में खड़ी मिली। मालिक के मुताबिक चंद्रभान अधिकतर खुद ही गाड़ी चलाता था, उसके साथ हेल्पर नहीं होता था। चंद्रभान के छोटे भाई मणिचंद्र के मुताबिक 25 की सुबह आखिरी बार उसकी उसके भाई से बात हुई थी। उसके बाद से लगातार मोबाइल पर संपर्क कर रहे थे। चंद्रभान करीब 22 साल से ड्राइवर का काम कर रहा था। उसके परिवार में बेटा बेटी और पत्नी है। माता पिता भी उसके साथ ही रहते हैं। भाई ने शंका जताई है डीजल चोरी कर चंद्रभान को कुछ जानकारी लगी थी, संभवतः किसी ने उसके साथ अनहोनी हो गई।